अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एलोवेरा ऑयल की रेमेडी शेयर करूंगी जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है। इसे यूज़ करने से आपके बालों की हेयर ग्रोथ होती है, हेयर फॉल कंट्रोल होता है, ये आपके बालों को कंडीशन करता है, नरिश करता है, एंटी डैंड्रफ है और ये आपके बालों में एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है जो कि आपको हार्मफुल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है और मुसलसल आपके बालों को हाइड्रेट रखता है। जैसे कि आप सब जानते हैं, विंटर का सीज़न आ गया है और विंटर में हमें बहुत सी हेयर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, तो ये ऑयल मैं ख़ुद भी यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे विंटर में डैंड्रफ और हेयर फॉल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो सोचा क्यों ना वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूँ। कंप्लीट रेमेडी देखने के लिए वीडियो को स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये मैंने फ़्रेश एलोवेरा ली है, अगर आपके घर में फ़्रेश एलोवेरा है तो आप फ्रेश यूज़ करें कि मार्केट में जेल फॉर्म में एलोवेरा अवेलेबल होती हैं बट वो 100% प्योर नहीं होती हैं, तो इसलिए बेस्ट है अगर आपके घर में एलोवेरा है तो आप फ्रेश यूज़ करें। इस तरीके से मैं एलोवेरा की कटिंग कर लूँगी। अब हम इसकी जेल निकाल लेंगे। समर में आप डायरेक्ट जेल भी यूज़ कर सकते हैं अपने स्कैल्प पर, इसे नेचुरल क्लींजर भी कहा जाता है, ये आपके बालों को क्लींस करती है। विंटर में आपके हेयर ऑलरेडी ड्राई हुए होते हैं तो आप इसे डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, इसे ऑयल के साथ ही यूज़ करना बेस्ट है। एलोवेरा जेल रेडी हो गई है, अब हमें इसे ऑयल में ऐसे ही डायरेक्ट यूज़ करेंगे। आपने क्वांटिटी का भी ध्यान रखना है, अगर 100 ग्राम कोकोनट ऑयल है तो उसमें इतने एलोवेरा जेल इनफ हो गई। अब हम एक पैन में ये ऑयल डाल लेंगे। आपने लो फ्लेम में ऑयल बनाना है, अगर आप हाई फ्लेम रखेंगे तो आपका ऑयल जल जाएगा और इसके बेनिफिट ख़त्म हो जाएंगे। अब हम इसमें एलोवेरा जेल डालेंगे। अभी से बनने में 10 से 15 मिनट्स लगेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारा ऑयल रेडी हो गया है, अब इसे हम 10 से 15 मिनट्स तक ठंडा होने के लिए रख देंगे। ऑयल ठंडा हो गया था और मैंने इसे बॉटल में डाल लिया। अब मैं ऑयल में विटामिन ई के कैप्सूल डालूंगी, ये लिक्विड फॉर्म में है, मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, ये मैंने मेडिकल स्टोर से लिए हैं। ये ऑयल आपने 2 टाइम्स अ वीक यूज़ करना है, इसे ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसे यूज़ करने से आपकी बालों की हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी, बाल नरिश रहेंगे और ड्राई भी नहीं होंगे। विटामिन ई के कैप्सूल हमने इसमें डाल ली हैं। अब बोतल को अच्छे तरीके से शेक कर लेंगे।
आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी नए आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँचें। अल्लाह हाफिज़।